तो आज जो हम कवर करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे स्कॉलरशिप कौन सा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का होम पेज खोल के रखा है। यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो मेरा पिछले वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पे हमने बहुत बार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद लेट्स सी द स्कीम दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। तो यहाँ पे आपको जाना है। सो होप एवरी वन ऑफ यू हैव ओपन योर अकाउंट इन दिस स्कॉलरशिप पोर्टल। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट बना लीजिएगा। KYC वेरिफिकेशन करना है, हर एक स्टूडेंट को ये बनाना जरूर। जिस तरह से आपने आपका अपार आईडी बनाया होगा, स्टूडेंट आईडी, वन नेशन वन आईडी वाला, होप आपने इसको भी अपना अकाउंट खोल के रखा होगा। यदि आपने अभी तक अपना स्टूडेंट आईडी नहीं बनाया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अपार आईडी, आप कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे किस तरह से। यदि किसी को कन्फ्यूजन है, ठीक है, यदि आपने अभी तक बनाया नहीं, अपार आईडी बहुत ज़रूरी है। सो या लेट्स नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट। सो यहाँ पे लेट्स कम टू द स्कीम। सो लेट्स सी व्हाट स्कीम वी आर गोइंग टू कवर। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टे इन यूनिवर्सिटी। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो द स्कीम दैट वी आर गोइंग टू कवर इज, सो टुडे देयर इज लॉट्स ऑफ स्कीम, राइट। तो यहाँ पे हम जो कवर करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द UGC। तो अभी देखो UGC का अभी दो स्कॉलरशिप लाइव है, दैट इज़ वन इज नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए स्कीम ओपन है टिल 31st of October, एंड सेकेंड है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न और एज वेल एज उत्तराखंड के लिए भी वैलिड है ये, ठीक है। तो हम यहाँ से यदि आपको डिटेल्स में पढ़ना है ब्रोशर अबाउट द स्कॉलरशिप, तो ये जो स्पेसिफिकेशन मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जाके आप वो कर सकते हो पूरा इसके स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। उसी तरह से ईशान उदय का भी सेम, तो मैं आपको कंसाइज में बताने वाली हूँ, मैं ये PDF के थ्रू नहीं बताऊँगी आपको। और वन मोर थिंग, ईशान उदय वाला जो स्कॉलरशिप लास्ट ईयर भी मैंने कवर किया था, यदि आप लास्ट ईयर वाले हो तो एक रिन्यू होता है टाइम, तो वो देखते रहना, आपको रिन्यूअल का टाइम आएगा, ठीक है। वन टाइम ग्रांट के बाद तो रिन्यूअल होता है। हाँ, तो इसी को हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल डिस्कस करेंगे थ्रू सम अदर साइट, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्साइज में दिया होगा एंड इट्स बेटर कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो जो ईशान उदय स्कॉलरशिप है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज उत्तराखंड के लिए है, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए हैं। तो ये दो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया फॉर नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेड वाला। तो यहाँ पे आप जैसे लेट्स सी द व्यू डिटेल्स। पहले तो आपको इंडियन नेशनल होना पड़ेगा उसके लिए KYC वेरीफिकेशन में पता चल गया, इफ़ आपका KYC वेरीफिकेशन नहीं होगा तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। उसके बाद यू शुड बी इनरोल इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर पोस्ट ग्रेड डिग्री के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन इंडिया पे। एज लिमिट है यहाँ पे 30 ईयर्स से बिलो होना पड़ेगा एडमिशन डेट तक। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, एंड जैसे कि आपको पता है स्कॉलरशिप उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है जो जिसको नीड है, राइट, जिसका फैमिली इनकम यहाँ पे 2.5 लाख है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेड कर चुके उसके बाद पोस्ट ग्रेड यदि आप हायर स्टडी PhD करना चाहते थे उनके लिए नहीं है, ठीक है, आपके लिए वो डिफरेंट स्कॉलरशिप होगा। देर आर लॉट्स ऑफ अदर स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज लाइक आफ्टर पोस्ट ग्रेड जो मैं कवर करूँगी, तो स्टे ट्यून। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होगा, जो स्कॉलर्स होंगे उसको 15,000 10 मंथ्स के लिए मिलेगा एंड दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि पोस्ट ग्रेड 2 ईयर्स का डिग्री होता है, ठीक है। लेट्स सी द डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स में सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, देखो आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एडमिशन। अच्छा, उसके बाद आपका रिजल्ट्स, जो भी सेमेस्टर एकेडमिक स्क्रिप्ट्स होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट्स। तो आपको इतना देके अप्लाई करना है। आप अप्लाई, यदि आपके 80% से अबव पे, तो आप अप्लाई कर देना
कोई भी हो, 70 भी हो तो अप्लाई करके रखना, क्योंकि फैमिली इनकम भी क्राइटेरिया है, तो दो क्राइटेरिया पे आपको चूज़ किया जाएगा, ठीक है। अभी बाय अप्लाइंग आपको मिलेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें बिकॉज चेक होता है, यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी होते उसमें होता है कि हाँ, यदि फॉर एग्जाम्पल यू आर ना शेड्यूल ट्राइब, आप अप्लाई कर रहे हो, आपका फैमिली इनकम वहाँ पे मैच हो रहा है, दैन वहाँ पे गारंटी होता है। बट इस स्कॉलरशिप में बिकॉज मेरिट बेस्ड एंड फैमिली इनकम को भी देखा जाता है, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यदि आपने NSP पोर्टल में ऑलरेडी अकाउंट है तो वहाँ पे जाके अप्लाई करना, ठीक है। अदरवाइज यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस साइट ऑल्सो, अगेन हेयर ऑल्सो यू हैव टू डू द KYC वेरिफिकेशन। सो आप वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ मैं पहले स्कॉलरशिप सारे में कवर कर चुकी हूँ कैसे करते हैं अकाउंट। उसके बाद जो ईशान उदय वाला है, इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो जो मैंने जहाँ पे सारा ब्रोशर पढ़ा था, अब मेरे स्कॉलरशिप सीरीज़ में जाके देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं जस्ट कंसाइज में बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी द इंडियन सिटीजन, यू हैव टू बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न, ये अभी जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, उत्तराखंड के लिए भी अप्लाई होता है बट अभी उत्तराखंड के लिए नहीं है। उसके बाद क्लास 12 पास करना पड़ेगा आपको, आइदर CBSE किसी के लिए भी वैलिड है। उसके बाद किसी ने आफ्टर द क्लास 12 यू शुड टेक एन एडमिशन इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई भी कोर्सेज के लिए। एंड फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 4.5 लाख। सो नॉर्थ ईस्ट वाले, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, सो मे बी यू आर फ्रॉम मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो काइंडली अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप इफ़ योर फैमिली इनकम इज़ लेस देन और द लिमिट इज़ 4.5 लाख। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस देयर, द स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड फॉर एंटायर प्रोग्राम के लिए कवर किया जाएगा। सो फर्स्ट डिग्री के लिए ट्रांसजेंडर आर वेलकम टू अप्लाई अंडर द स्कीम। सो इफ़ यू आर अ थर्ड जेंडर दैन येस यू आर ऑल्सो एलिजिबल। स्टूडेंट विथ मैनेजमेंट कोटा, ओके, देर इज समथिंग कॉल, कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई उनके लिए नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट ओपन डिस्टेंस प्राइवेट पार्ट टाइम करे, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। सो दो स्कॉलरशिप आपको दोनों में सेलेक्ट होगा तो आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन है, 50% स्कॉलरशिप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल एंड लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए, एंड 50% इज़ फ्रॉम साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए। यहाँ पे टोटल स्कॉलरशिप 10,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, 10,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें 8,000 पर मंथ 10 मंथ्स के लिए, ठीक है, एनुअली 80,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के थ्रू वाला नहीं आता। उसके बाद डॉक्यूमेंट सिंपल सा, आपको सारे सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप किसी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ये भी, बट बेटर देयर इज अदर स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी कैटेगरी, आई वुड सजेस्ट यू शुड अप्लाई दैट वन। तो मैं कवर करूँगी ST के लिए भी स्कॉलरशिप लाइव है वो 31st, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कॉलरशिप कवर करेंगे, दैट इज़ फॉर द शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट एंड इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट योर ईशान उदय। सो दिस दैट्स इट फॉर टुडे। यदि आपको स्कॉलरशिप वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल में ज़रूर जुड़े रहना। उसके बाद यदि इफ़ यू फील द स्कॉलरशिप वीडियो इज़ नीड टू बी शेयर्ड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, तो आप शेयर ज़रूर करना, इट्स अप टू यू। कोई भी प्रॉब्लम हो वाई फीलिंग ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर्म्स, आप कमेंट करके बता सकते हो, डायरेक्टली हमको इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। आवर टीम विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू गाइज आर एंजॉइंग द स्कॉलरशिप वीडियो, होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो। सो यदि इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई, कमेंट करके बताना ताकि एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगा, लोगों को पता चले आप कौन सा कर रहे हो, तो एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड या So, thank you.